दोस्तों आप देख सकते हैं मेरे पास MI का Note 4 मोबाइल है। कई लोगों के साथ MI में एक प्रॉब्लम आ रही है जो कि मोबाइल बंद हो जाता है, अपन चार्जिंग पे लगाते हैं तो इधर पे लाल 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 लाइट जलती है, मोबाइल चार्जिंग नहीं होता है। आप ये वीडियो देखिए, कुछ इस टाइप का आपके मोबाइल में शो होता है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि मैंने मोबाइल को चार्जिंग पर लगा रखा है और यहाँ पे आप देखेंगे कि लाल लाइट जल रही है, हरी नहीं जल रही है। प्रॉब्लम क्यों आ रही है और इसको कैसे अपन अच्छा कर सकते हैं, आज के इस वीडियो में कंप्लीट जानकारी देंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ आपका अपना अंकित और आप देख रहे हैं टेक्निकल सर जी यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो कंप्लीट देखिएगा और आपके मोबाइल में भी ऐसी कुछ प्रॉब्लम आ रही है, MI के कोई भी सेट हो जो कि चार्ज नहीं हो रहा हो, उसमें रेड लाइट जो है वो जल रही हो। दोस्तों मैं इस मोबाइल को कई टाइम से इस्तेमाल कर रहा हूँ और अभी अभी कुछ टाइम से ही प्रॉब्लम मेरे को फेस हो रही है। मेरा मोबाइल चलते चलते बंद हो जाता है और बैटरी पूरी चार्ज होती है। दोस्तों जब मैं चार्ज करता हूँ तो मतलब रेड लाइट दिखाता है, चार्ज नहीं होता है, बंद चालू कहता है। मैं मतलब पावर ऑन करता हूँ तो ऑन भी नहीं होता है और अचानक से कुछ देर बाद मोबाइल ऑटोमेटिकली मतलब चालू हो जाता है और दोस्तों चलते चलते फिर बंद हो जाता है। कोई प्रॉब्लम तो ये प्रॉब्लम मेरे साथ काफी टाइम से आ रही थी और फिर दोस्तों अभी आप देख रहे हैं कि मोबाइल मेरा सही हो चुका है। आप देखिए MI का Note 4 मोबाइल है और इसी मोबाइल की मैंने आपको अभी वीडियो दिखाई थी, इसी मोबाइल में प्रॉब्लम आ रही थी। दोस्तों प्रॉब्लम क्यों आ रही है, अगर आप सोच रहे हो कि अगर आप अपने मोबाइल को फॉर्मेट कर देंगे तो इससे आपका काम हो जाएगा, दोस्तों ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आपका मोबाइल फॉर्मेट होने से आपकी ये वाली जो प्रॉब्लम आ रही है वो नहीं जाएगी। इसके लिए आपको करना क्या होगा, ध्यान दीजिएगा, सिंपल पहला तरीका आपको बता रहा हूँ फ्री, अगर चाहे तो उससे भी आपका जो है ना इसकी प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो जाएगी। अगर नहीं होती है तो दूसरा तरीका है, आप वो अपनाइएगा। पहला तरीका दोस्तों ये सिंपल, अगर आपके अंगूठे के नाखून बड़े हैं, मेरे छोटे हैं, तो इसमें आपसे खोल लीजिएगा, इसलिए बताना चाहूंगा आपके लिए। देखिए ध्यान दीजिएगा, ये मोबाइल है आपको कोई भी मोबाइल MI का जिसमें प्रॉब्लम आ रही हो, रेड लाइट की कोई भी कंपनी का हो, तो यहाँ से इसको खोल सकते हैं सिंपल। देखिए कहाँ चाहूंगा आपके लिए, नाखून थोड़े छोटे हैं तो यहाँ पे इसको आप दबाते हैं। यहाँ पे देखिए ये बटन दिए हैं, अंगूठे बता दी, देखिए ऊपर साइड यहाँ पे, यहाँ पे तो बड़े नाखून होना चाहिए आपके। आप किसी पिन या पिंच का उपयोग कर सकते हैं, इसको पूरा खोल लीजिएगा तो अंदर से आप दोस्तों क्या है, मोबाइल की जो बैटरी है उसको निकाल लीजिएगा। मोबाइल की बैटरी को निकाल लेने के बाद आप थोड़ा सा उसके जो पॉइंट होते हैं हल्का सा सूजी से ऐसे ऐसे कर दीजिएगा, हल्के से कर दीजिएगा। वो कर देने के बाद दोस्तों आप मोबाइल में बैटरी को फिर से फिट कर दीजिएगा, मोबाइल को पूरा बंद कीजिएगा और फिर आप उसको चालू कीजिएगा। आपका मोबाइल दोस्तों 80% आपके मोबाइल में प्रॉब्लम आ रही है रेड लाइट की, वो आपकी सॉर्ट आउट हो जाएगी। पहला तरीका को बता रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा, आपको इतना करना है। अगर आपका ये भी करने के बाद आपकी जो मोबाइल है MI का, जो भी मोबाइल है आप कोई भी कंपनी का हो, अगर प्रॉब्लम सॉर्ट आउट नहीं हो रही है तो आपको करना क्या, आप ध्यान दीजिए, चाहे तो अपना जो मोबाइल की बैटरी होती है, अब तो सोच रहे होंगे कि जो मोबाइल होता है ना उसकी बैटरी का, जैसे कि मान लीजिए ज्यादा पावर दे रहा है, मतलब बैटरी पिकअप कम नहीं हो रहा, लेकिन अक्सर होता है क्या, जो बैटरी के सेल होते हैं वो कमजोर हो जाते हैं जिसके कारण ये प्रॉब्लम आती है। तो आप चाहे तो मार्केट से अपने मोबाइल की जो बैटरी है उसको चेंज कीजिएगा, उससे दोस्तों आपकी ये वाली प्रॉब्लम पूरी तरीके से सॉर्ट आउट हो जाएगी। 99% दोस्तों की अगर आपकी प्रॉब्लम आ रही है तो वो यहाँ से सॉर्ट आउट हो जाएगी। अगर 1% फिर भी नहीं होती तो आपके मोबाइल तो क्या है, सिंपल जब आप मोबाइल को खोलेंगे तो यहाँ देखिए कैमरा लगा होता है, इसको आप निकालिएगा। निकालने के बाद आपको ध्यान देना है इसके अंदर एक ब्लैक कलर की IC होती है, ब्लैक कलर की IC होती है, सिंपल ध्यान दीजिएगा, ब्लैक कलर की IC होती है, उस पर आप हल्का सा जम्पर अगर मार देंगे तो आपके मोबाइल की टोटली प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो जाएगी। इतना ही आपको करना दोस्तों, किसी की बातों में नहीं आना। अगर आप अपने मोबाइल को दुकान पे ले जाते हैं कहीं वो बोलता भाई इसमें ये होगा वो होगा, तो ऐसे बातों में मत आइएगा, पहले सिंपल आप खुद घर पे करके देख लीजिएगा, मोबाइल को खोल के आपकी बैटरी के जो इसके वाले जो पॉइंट है घिसके लगाइएगा, आपकी प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो जाएगी। अगर उसके बाद भी नहीं होती है तो आप खुद ही अपने मोबाइल की बैटरी को चेंज कीजिएगा तो उससे आपकी प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो जाएगी। अगर फिर भी नहीं होती तो लास्ट करने से दोस्तों ये कि आपको किसी शॉप होती है मोबाइल रिपेयरिंग की, वहां पर जाइएगा, इसको खुलवाइएगा, पीछे कैमरे के पीछे एक हल्का सा IC लगी होती है ब्लैक कलर की, उस पर आप जम्पर मार दीजिए, जम्पर मतलब गर्म बफ फेंकता है वो, थोड़ा सा मार दीजिएगा हल्का का, तो आपकी टोटली मोबाइल की प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो जाएगी। तो दोस्तों इस तरीके से आपने MI के मोबाइल में या जो भी कंपनी का मोबाइल है अगर रेड लाइट की प्रॉब्लम आ रही है तो उसको आप सॉर्ट आउट कर सकते हैं। तो आज की वीडियो काफी इंपॉर्टेंट है आप सभी लोगों के लिए जो लोग भी MI का मोबाइल इस्तेमाल करते हैं। अगर आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो दोस्तों प्लीज मैं आप सभी को निवेदन करूंगा इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और जो भी भाई बहन चैनल पर नए हैं प्लीज सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाइएगा ताकि आने वाले टाइम में आपको ऐसी कई सारी यूजफुल वीडियो मिलती रहे। चलिए दोस्तों मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। जय माता दी।